सक्रिय स्थल, एंजाइम का सक्रिय स्थल वह भाग है जहाँ पर क्रियाधार तथा प्रोस्थेटिक समूह यदि उपस्थित है तो वह एंजाइम से जुड़ते हैं तथा उत्प्रेरी क्रिया होती है। सक्रिय स्थल में ऐसे अमीनो अम्ल एंजाइम में उपस्थित होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बंध निर्माण अथवा विघटन में भाग लेते हैं। इन अवशिष्टों को उत्प्रेरी समूह कहते हैं। यद्यपि एंजाइम अपनी संरचना, विशेषता तथा उत्प्रेरण विधि में भिन्न है, परंतु उनमें कुछ समानताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। एंजाइम के पूर्ण आयतन का बहुत छोटा सा भाग सक्रिय स्थल होता है। एंजाइम के अधिकतर अमीनो अम्ल क्रियाधार के साथ संपर्क में नहीं रहते। लगभग सभी एंजाइम 100 से अधिक अमीनो अम्ल से बनी हैं, जिससे उनका अणुभार 10 किलो डाल्टन से अधिक होता है। इन एंजाइम का व्यास 25 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। सक्रिय स्थल एक त्रिआयामी स्थल है जिसमें ऐसे समूह उपस्थित होते हैं जो एंजाइम के विजुरेखीय अमीनो अम्ल क्रम के भिन्न भाग से प्राप्त किए गए हैं। जैसे लाइसोजाइम में 129 अमीनो अम्ल हैं, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल सक्रिय स्थल पर उपस्थित होते हैं। इनके ऋजुरेखीय क्रम में संख्या 35, 52, 62, 63 एवं 101 होती है। क्रियाधार एंजाइम से कई निर्बल अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जुड़कर ES यौगिक बनाता है। इन अट्रैक्शन फोर्सेस के साम्य स्थिरांक 10^-2 से 10^-8 मोलर तक हो सकते हैं। ES कॉम्प्लेक्स की असहसंयोजी अन्योन क्रियाओं की मुक्त ऊर्जा -3 से -12 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जो बहुत कम होती है। ES कॉम्प्लेक्स की असहसंयोजी अन्योन क्रियाएँ सहसंयोजी बंध की तुलना में बहुत निर्बल होती हैं। सहसंयोजी बंध की अन्योन क्रियाओं का मान -50 से -110 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। जैव अणुओं की उत्क्रमणी अन्योन क्रियाओं की मध्यस्थता इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध, हाइड्रोजन बंध, वैंडरवॉल बल तथा जल वैरागी अन्योन क्रियाओं द्वारा होती है। वैंडरवॉल बल तभी महत्वपूर्ण होता है जब कई क्रियाधार अणु कई एंजाइम अणु के निकट आते हैं। अतः एंजाइम के सक्रिय स्थल एवं क्रियाधार के आकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाइड्रोजन बंध का दिशा गुण एंजाइम एवं क्रियाधार के मध्य उच्च कोटि की विशिष्टता स्थापित करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध, हाइड्रोजन बंध और वैंडरवॉल बल तथा जल वैरागी अन्योन क्रियाएं सहायक होती हैं ES कॉम्प्लेक्स बनाने में और उत्प्रेरण में। सक्रिय स्थल एंजाइम में दरार के रूप में उपस्थित होता है। उसमें क्रियाधार अणु एंजाइम की दरार में जाकर जुड़ता है। यदि जल क्रियाधार नहीं है तो वह सक्रिय स्थल में उपस्थित नहीं रहता है। दरार के अध्रुवी गुण के कारण क्रियाधार और एंजाइम की अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं के मध्य बंधन तीव्रता से होता है। इसके अतिरिक्त दरार में कुछ ध्रुवीय अवशिष्ट भी उपस्थित होते हैं जो उत्प्रेरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके कारण दरार में एक विशिष्ट सूक्ष्म वातावरण बनता है जिससे कुछ अवशिष्टों को उत्प्रेरण के लिए आवश्यक विशिष्ट गुण प्राप्त हो जाते हैं। दरार में आंतरिक रूप से उपस्थित ध्रुवीय अवशिष्ट जैविक दृष्टिकोण से अपवाद हैं, क्योंकि ध्रुवीय समूह प्रायः सतह पर पाए जाते हैं। बंधन की विशिष्टता सक्रिय स्थल में उपस्थित परमाणुओं की विशिष्ट व्यवस्था पर निर्भर करती है। सक्रिय स्थल में प्रवेश करके एंजाइम के अणुओं से जुड़ने के लिए क्रियाधार की आकृति सक्रिय स्थल के पूरक होनी चाहिए। सक्रिय स्थल में अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाएं जो
उत्प्रेरण में सहायक हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं सेरीन का हाइड्रोक्सिल समूह, जैसा कि ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में पाया जाता है, टायरोसिन का फिनोलिक समूह जो पेप्सिन में पाया जाता है, सिस्टीन का SH समूह तथा हिस्टिडीन का इमीडासोल समूह, जैसा कि आरएनएस एंजाइम में पाया जाता है। कोशलैंड ने एंजाइम संरचना में उपस्थित अमीनो अम्ल को विभिन्न समूहों में विभाजित किया। पहला समूह संपर्क अमीनो अम्ल का, ये अमीनो अम्ल क्रियाधार से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अणु क्रियाधार से संपर्क में है और इनमें अमीनो अम्ल के एक या एक से अधिक अणु क्रियाधार के एक या एक से अधिक परमाणु से आबंध बनाते हैं। दूसरा समूह है सहायक अमीनो अम्ल का, ये अमीनो अम्ल प्रत्यक्ष रूप से क्रियाधार के संपर्क में नहीं होते, परंतु उत्प्रेरण क्रिया में इनकी विशिष्ट भूमिका होती है। ये अमीनो अम्ल सक्रिय स्थल का भाग है तथा इनके गुण एवं संरचना बनाए रखने में इनका योगदान है। सक्रिय स्थल में उपस्थित अमीनो अम्ल समूह 1 और 2 प्राथमिक संरचना में एक दूसरे से दूर होते हैं, परंतु प्रोटीन फोल्डिंग के कारण त्रिआयामी संरचना में ये एक दूसरे के समीप आकर सक्रिय स्थल का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा समूह है अमीनो अम्ल का, जिसे योगदान करने वाले अमीनो अम्ल कहते हैं। इनका उत्प्रेरण में कोई कार्य नहीं है, पर सक्रिय स्थल की स्थिर संरचना बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा समूह अमीनो अम्ल का वो है जिनका कोई योगदान नहीं है। ये अमीनो अम्ल अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्प्रेरण में कार्य नहीं करते हैं और इनको पृथक करने पर ना तो एंजाइम की सक्रियता और ना ही विशिष्टता प्रभावित होती है।